हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा नाश्ता जो शायद ही आपने पहले कभी घर पे ट्राई किया होगा। और ये ना ही पूरी है, ना ही रोटी मसाला रोटी है या पराठा है, ये सिंधी कोकी के नाम से जाना जाता है। ये सिंधियों का बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में इतनी लाजवाब लगती है कि आप एक बार इसको बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी खाने में टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सिंधी कोकी की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े कप गेहूं का आटा लिया है। ये रोटी का जो नॉर्मल आटा आता है वही है। हम इसमें 1 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें अजवाइन डालेंगे, तो थोड़ी हाथों से क्रश करके डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे रोटी का जो नॉर्मल आटा है आता है वही यूज़ करना है, मोटा वाला आटा का यूज़ नहीं करना है। और 1/2 टेबल स्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर डाल देंगे। उसी के साथ में हम थोड़ी सी इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 बारीक काटा हुआ प्याज लिया है, तो प्याज को एकदम बारीक काट के ही डालना है। 1 टेबल स्पून जितना कसूरी मेथी लिया है, 2 ग्रीन चिली को बारीक काट के ले लिया है और फ्रेश धनिया अच्छे से वॉश करके उसको भी बारीक काट के ले लिया है। तो आप इसमें ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो और प्याज को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। और मोइन के लिए हम 4 टेबलस्पून जितना ऑयल घी आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही मोइन जाता है, क्योंकि ज़्यादा मोइन हो गया तो एकदम खस्ता है हमारा कोकी बनेगा। तो इस तरह से हाथों की मदद से हम इसको एकदम रब करके हम इसको मोइन दे देंगे। और प्याज और सॉल्ट का जो भी पानी बनेगा वो भी इसके साथ ही सेट हो जाएगा, तो हमें आटा लगाने में आसानी रहेगी। इसलिए पहले अच्छे से हाथों से इस तरह से रब करके हमें इसको मोइन दे देना है, और इस तरह से हाथ में फोल्ड हो उतना हमें इसमें मोइन देना है। तो इस तरह से हम मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एकदम हार्ड डो हमें इसका लगाना है। रोटी पराठे की जैसा हमें इसका सॉफ्ट डो नहीं करना है, एकदम जैसा कि भाकरी का आटा गूंथते हैं वैसा ही हमें एकदम इसका हार्ड डो रखना है, तो ही अच्छी सी हमारी कुकी बनेगी क्रिस्पी और खस्ता। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और ये देखिए इस तरह से एकदम ही हमें इसका हार्ड डो लगाना है। तो हमने डो लगा के रेडी कर लिया है और आटा गूंथ के हमें इसको बिल्कुल भी रेस्ट के लिए नहीं रखना है, तुरंत ही हमें इसकी कोकी बनानी स्टार्ट कर देनी है, वरना हम इसको रेस्ट पे रखेंगे तो आटा हमारा गीला हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ा लोहा ले लेंगे, उसको गोल शेप में इस तरह से टिक्की जैसा हम इसका बना देंगे। तो साइज़ आप छोटी बड़ी कर सकते हो, आपको कितनी साइज़ की कोकी बनानी है उतने हिसाब से आप लोहा रेडी कर सकते हो। तो इसी तरह से हम सारे लोहे बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लोहे बना के रेडी कर लिए हैं। तो सबसे मेन बात यहीं पे आती है कि हमें इसको पहले लोहे को ही रोस्ट करना है, हल्का सा बिना ऑयल की कुछ भी लगाए हमें इसे ही हल्का सा 15-20 सेकंड के लिए हम दोनों साइड से सेक लेंगे। ये देख रहे हैं आप, लो फ्लेम पे हमें इसको सेकना है और इस तरह से हल्की सी इसमें शाइन आ जाए उतना हम इसको रोस्ट करेंगे। तो दोनों साइड से हमने इसको रोस्ट कर लिया है, इसी तरह से सारे रोस्ट कर लेंगे और एक प्लेट में इसको निकाल देंगे। अब रोस्ट किया हुआ लोहा ले लेंगे हम और हल्के हाथों से हम इसको मोटा बेल देंगे, और तो हमें इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा सेमी थिक बेल के हमें इसको रेडी करना है। हमें पूरी और पराठे की जैसा हमें इसको पतला नहीं बेलना है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा ही रहता है। तो आप इसको साइज़ देख रहे हो कि छोटा बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, इस साइज़ का मैंने बेल के रेडी कर लिया है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको रोस्ट करेंगे, तो ये अच्छा सा क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। तो चप्पू की मदद से हम इसको ट्रिक कर देंगे इस तरह से, फिर हम पलट देंगे इसको। तो दोनों साइड से हमें अच्छे से इसको सेकना है। तो मैं इसमें घी लगा रही हूँ, तो आप घी ऑयल किसी में भी आप इसको रोस्ट कर सकते हो। और चप्पू की मदद से इसके टिक करने से क्या होगा कि ये अच्छे से अंदर से भी सिक जाएंगे और एकदम क्रिस्प बनेंगे। तो इस तरह से चप्पू या
चम्मच या फोक से किसी से भी आप इसके तरह से ठीक कर सकते हो। तो दूसरी साइड भी हम पलट के थोड़ा सा घी लगा देंगे, तो घी में रोस्ट किया हुआ कुकी बहुत ही बढ़िया टेस्ट में लगता है। तो दोनों साइड से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और अच्छे से क्रिस्प होने तक हमें इसको सेकना है। और प्याज को आपको बारीक ही काटना है, वरना जब आप इसको बेलोगे तो ये साइड से निकल जाएगा और फट भी जाएगा। और आप जब ये इसको बेलते हैं तो साइड से ये फटेगा ही, इसीलिए ये पूरी या फिर रोटी की जैसा एकदम गोल शेप में नहीं बनेगा, थोड़े क्रैक्स तो आएंगे ही, क्रैक्स वाले ही कुकी बनते हैं। तो आपको ये क्रैक्स पड़े तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्रैक्स आ रहा है, अच्छे से नहीं बन रहा है, क्रैक्स वाले ही होती है कुकी। तो दूसरा भी हम इसी तरह से मैंने इसमें डाल दिया है और दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प होने तक हम इसको रोस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी कुकी को रोस्ट कर लेंगे और इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एक कुकी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसको दही के साथ या किसी भी अचार के साथ खा सकते हो, इतनी टेस्टी लगेगी। और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में या ब्रेकफास्ट में या फिर आप टिफिन में भी आप इसको दे सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगी। एक बार से ज़रूर से ट्राई करना है।